और चलिए बड़ी खबर आपको नोएडा से बताते हैं, जहां पर अवैध बसों के खिलाफ डीएम ने चलाया अभियान। एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट बसों को किया सील और सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 बसों को सीज किया है, तो वहीं रोडवेज को हो रहा है राजस्व का नुकसान और पुलिस की मदद से सरकारी बस अड्डों का खेल चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 बसों को सील किया है। ये बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहाँ पर रोडवेज को हो रहा है राजस्व का नुकसान और पुलिस की मदद से सरकारी बस अड्डों पर खेल चल रहा है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध बसों के खिलाफ डीएम ने चलाया अभियान। एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट ही बसों को चलाया जा रहा है और बिना परमिट की बसों को सील कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर बिना परमिट वाली बसों को सील किया गया है। नोएडा से ये खबर सामने आ रही है, जहाँ पर रोडवेज को बड़ा नुकसान हो रहा है और पुलिस की मदद से सरकारी बस अड्डों पर खेल चल रहा है। ये बड़ी खबर नोएडा से, अवैध बसों के खिलाफ डीएम ने चलाया अभियान। एक्सप्रेसवे पर बिना परमिट बसों को सील कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट ने 10 बसों को सील किया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।